हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है। दूसरा दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। ये दोस्तों दिया हुआ सेक्शन है, सबसे पहले दिया हुआ रीडिंग स्किल्स का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये दोस्तों पैसेज दी हुई है, इसको आपको दोस्तों अच्छे से रीड कर लेनी है, पूरी पैसेज आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब जब आप अच्छे से पढ़ेंगे पैसेज, तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा पैसेज को। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वाटर अकॉर्डिंग टू द राइटर द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स आर। तो जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको पैसेज से सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेने हैं, इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 सेंटेंस इच। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हाउ डू प्लास्टिक बैग्स प्रेंडेंजर द लाइफ ऑफ मैमल्स इन द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द हार्म इन बर्निंग प्लास्टिक बैग्स टू डिस्पोज देम। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पोटेंशियल रेट ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल बाय प्लास्टिक बैग थ्रू इनहेलेशन ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट फैक्टर्स डिसाइड इकोनॉमिक डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई आर पेपर बैग्स नॉट ए वियबल ऑप्शन टू प्लास्टिक बैग्स। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। पहले का सी का ए नंबर जो दिया था क्वेश्चन, उसमें पहले का सी हो जाएगा, दे आर कन्वेंट। दूसरे का बी हो जाएगा, रिसीवेबल क्लोथ बैग्स। तीसरे का ए नंबर हो जाएगा, इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू रिसाइकल डैम। चौथा का डी हो जाएगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। पाँचवें का बी हो जाएगा, 300। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीड, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर इसके बाद आंसर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, आंसर यहाँ पर दिया हुआ बी का 6 नंबर, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच ऑफ देम। ये पैसेज दोस्तों आप अच्छे से, ये दोस्तों पैसेज आपको अच्छे से रीड कर लेनी है, जल्दी से आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, तो जब आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद सेक्शन बी दिया हुआ है, राइटिंग स्किल्स का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यू आर प्रेम प्रकाश द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू प्लान टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू मनाली ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, मेंटेनिंग द शेड्यूल ऑफ द टूर एंड एक्सपेंस सेज टू बी इनकर्ड, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर। ये आपको लिख लेना है।
अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको जो भी आता हो उसको आपको अच्छे से कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, इसमें भी अथवा इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है अच्छे से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।